टेंथ क्लास, पुस्तक है क्षितिज और पाठ है नेताजी का चश्मा। गद्य का पहला पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके कवि हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे समाज में किस तरह से जो लोग देश की सेवा करते हैं या हमारे देश के लिए अपने जी जान से उन्हें चाहने वालों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, और कुछ लोग उनमें से भी होते हैं जो कि उनका उपहास उड़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस पाठ में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको लेखक का कुछ परिचय दूंगी थोड़ा सा। जैसे कि लेखक है स्वयं प्रकाश, इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। ये पहले इंजीनियर थे लेकिन अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त होकर ये कुछ दिन राजस्थान रहे और वहीं से इन्होंने सेवा मुक्ति लेकर भोपाल में रहने लगे। इन्होंने फिर बहुत सारी कहानियों, जो कि चर्चित कहानियां हैं इनकी, जो इसमें प्रकाशित हुई हैं, जैसे सूरज निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, उपन्यास भी लिखे हैं, बीच में विनय, ईंधन आदि। इन्होंने जो अपने भाषा शैली का प्रयोग किया है, जो भाषा का प्रयोग किया है, वो संसार के अनुरूप ही है। मतलब जैसे कि हमारे समाज में बोली जाती है, ये जो कहानियाँ लिखते हैं उनमें व्यंग स्पष्ट झलकता है। अर्थात कि इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं उनमें व्यंग इनकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। वैसी ही एक ये नेताजी का चश्मा भागे। हालदार साहब कंपनी के काम से, हालदार साहब कंपनी के काम से बाहर आते जाते रहते थे। ठीक है, अब एक बार हालदार साहब किसी चौराहे से निकल रहे थे। चौराहे से निकलते हुए उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एक कस्बा मिला उन्हें, जहाँ कोई पक्का मकान था। वैसे कुछ ही मकान ऐसे होंगे जो वहाँ पर पक्के थे, बाकी बहुत बड़ा कस्बा नहीं था, छोटा सा ही था। उसमें जैसे कि एक लड़कियों का स्कूल और सीमेंट का छोटा सा एक कारखाना, सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती। अर्थात कि जैसे नगरपालिका कुछ ना कुछ काम कौन से होते, मान लिया कहीं सड़कें बनवाना, कहीं मूर्ति लगवाना, इस तरह से कोई ना कोई काम करती रहती थी। कहीं कबूतरों की छतरी बनवा दी, मतलब छोटे मोटे काम जैसे कि नगरपालिका करवाती रहती है अपने शहर में, कस्बे में, उसी तरह से होता रहता था। अब प्रशासनिक अधिकारी इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर मतलब कि पत्थर की मूर्ति, जो संगमरमर वाइट कलर का होता है, उस प्रकार से।
उस नगरपालिका ने कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह बड़ी मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार ने बनाई, अर्थात कि जैसे कि बहुत जल्दी में लगवा दी जाती है इस तरह से। जो मूर्ति लगाई गई थी, अब मूर्ति लगा के तो गई, जो मूर्ति लगवाई गई उसमें सब कुछ ठीक बना था, लेकिन उसमें चश्मा जो था वो शायद या तो बनाना भूल गया था मूर्तिकार, या फिर कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को एक महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। ये कौन सोच रहा है? हालदार साहब। हालदार साहब ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा रहा होगा कि कोई जो उस टाइम पे नगर पालिका के स्कूल में जो मास्टर रहा होगा मोतीलाल, या एक काल्पनिक नाम दिया है उन्होंने, तो उसने एक महीने में ही पटकने का मतलब कि बनाकर कंप्लीट करने का वादा किया होगा। मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी, मतलब कि सिर से और दूसरे बटन तक, मतलब कि हाफ मूर्ति थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के सारे बातें एकदम किसके जहन में आई? हालदार साहब की। हालदार साहब के मन में ये सारी भावनाएं एकदम आने लगी जब उन्होंने सुभाष चंद्र मूर्ति की मूर्ति को देखा। मूर्ति बनी तो थी, लेकिन और सब चीज़ें ठीक होते हुए भी उसमें जो चश्मा था वो एक रहस्य बना हुआ था। हालदार साहब को आते जाते मूर्ति को देखकर एक बात हमेशा खटकती थी। जब भी हालदार साहब आते, उस चौराहे पर रुकते और उस मूर्ति को रुककर देखते, किंतु उनके मन में एक बात हमेशा खटकती कि नेताजी की आंखों पर जो चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, अर्थात जैसे मूर्ति बनी थी उसका नहीं था, बल्कि एक वह सामान्य था, मतलब कि जो सचमुच का चश्मा होता है वो चश्मा था, ठीक है। अब उस चश्मे को देखकर उन्हें हमेशा मन में यही तो बात खटकती थी। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, अर्थात की ध्यान से देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, अर्थात कि उनके मन में एक असमंजस आया कि मूर्ति संगमरमर की होते हुए यह जो मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा है ओरिजिनल, तो यह कैसे आया। यह उनके मन में एक कौतुक भरा भी था और उनके चेहरे पर मुस्कान आ, यह आइडिया भी खूब है, अर्थात कि यह आइडिया जिसने भी मतलब ये आइडिया लगाया कि भाई चश्मा, या तो उसे मूर्ति जो चश्मे के बिना दिखाई दे रही थी वो अच्छी नहीं लगी, या वह देशभक्त था, या जो भी है, यह भी आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, अर्थात कि वास्तविक चश्मा था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए। फिर ये मूर्ति को देखते हुए हालदार साहब आगे गेट निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद और अंत में इसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, अर्थात कि ये वास्तव में रियल चश्मा अगर उन्होंने लगाया है तो उनके अंदर एक देशभक्ति की, देश के प्रति सम्मान की भावना है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए कितना किया है ये हम नहीं जानते, कह नहीं सकते, हम उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो यही ये जो प्रयास था उनके साथ, उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के कोई भी देशभक्त व्यक्ति नहीं देख सकता, ये भी अच्छा ही सोच है। ये सोचकर हालदार साहब आगे निकल जाते हैं। और दूसरी बार जब हालदार साहब
फिर आते हैं। जब दूसरी बार हालदार साहब फिर आते हैं तो वो फ्रेम फिर दूसरा बदला हुआ मिलता है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बार बार मूर्ति का जो ये है रंग रूप और सब है वो तो सब ठीक है, वैसे ही रहता है, लेकिन जो मूर्ति के ऊपर चश्मा है वो हर बार क्यों चेंज हो जाता है। फ्रेम पहले मोटे फ्रेम वाला, फिर चौकोर चश्मा, इस तरह से बार बार उनके जो चश्मे थे वो चेंज हो रहे थे। इसी प्रकार से जब हालदार साहब के मन में ये भावना उमड़ी तो बहुत ज्यादा उनके मन में एक पूछने की का कौतूहल जागने लगता है, अर्थात कि वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं ये बात पूछ ही लूं किससे, पान वाले से जहां वे पान खाते। पान वाले से जब वे पूछते हैं कि ये किसने लगाया, कैसे लगाया, किस तरह से लगा, सारी बातें उनके मन में क्योंकि सवाल कर रही थी, तो आखिरकार हालदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ही दी और उन्होंने चौराहे पर बैठे उस पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा सा खुश मिजाज आदमी था, अर्थात कि बहुत अच्छा आदमी था, खुश मिजाज था, उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। कैप्टन चश्मे वाला कौन है? अब पान वाला ये तो बता दिया, लेकिन हालदार साहब के मन में फिर कौतूहल जगने लगा कि आखिर ये कौन होगा। तो उनके मन में एक जो कैप्टन की जो एक तस्वीर बन जाती है वो बन गई, जिस तरह जो रेखा चित्र था उसके मन में वे बन गया कि मान लिया अगर कैप्टन नाम दिया है तो कोई फौजी होगा, उसको इस तरह से होगा, या मोटा ठाड़ा तकड़ा इस तरह का तो कोई व्यक्ति होगा, इस तरह से वे समझ लें। लेकिन जब अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है, अर्थात कि फिर उन्हें किसने बताया, पान वाले ने। पान वाले ने फिर बताया कि कैप्टन जो है बार बार इनके चश्मे बदल देता है और फिर जो कोई दूसरा फ्रेम मांगने आता है तो उसे वो दूसरा फ्रेम दे देता है। अगर मान लिया उसके चश्मे पे गोल चश्मा जो लगाया, फ्रेम जो लगाया उसे मांगता है तो उसे उतार कर दे देता है और दूसरा उसके आंखों पर लगा देता है, किसके, मूर्ति के। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। एक तो वह काला और मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है, इस तरह से उसने उसका इंट्रोडक्शन अर्थात कि परिचय दिया। क्या करता है हालदार सब कुछ समझ नहीं, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, किसको, हालदार साहब। क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि ये क्या कहना क्या चाहता है। कोई गिराक आ गया, ये क्या है, कौन सी भाषा है, गिराक ग्राहक नहीं है, गिराक। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, अर्थात कि कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो वे उसका चश्मा मूर्ति से उतारता है और दूसरा उसको दे देता है। फिर अब हालदार साहब का जो बात सुनकर कुछ समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो उसे परेशान करती है कि एक देशभक्त की जिसने हमारे देश के लिए ऐसा सब कुछ किया है उसके साथ इतना
कैसे हो सकता है कि उसकी आंखों पर चश्मा ही नहीं है? मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, या इसलिए कि अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी के चश्मे की मूर्ति के ऊपर वह फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है तो फिर वह उसे दूसरा फ्रेम दे देता है और नेताजी के चश्मे पर के मूर्ति पर दूसरा लगा देता है। चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लगाकर ग्राहक को दे देता है। किससे क्षमा मांगते हैं? नेताजी से। क्यों? क्योंकि मैं बार बार नेताजी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, बार बार चश्मा उतारता हूँ, इसलिए उनसे क्षमा मांगता है और दूसरा फ्रेम उन्हें दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, कौन कहता है? हालदार साहब। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूस चुका था, अर्थात कि मुँह में खा रहा था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ थी और दुकान पर भीड़ होते होते वह जैसे कि अपने आप में व्यस्त था। ठीक है, व्यस्त होने के कारण नेताजी के विषय में वह कोई बात करना जैसे कि नहीं पसंद कर रहा था उनसे। फिर नेताजी के चश्मे को देखकर जो हालदार साहब के मन में कौतूहल जग रहा था, बार बार जो कौतूहल जग रहा था वह उनके मन में फंसा हुआ था अभी भी, कि आखिर हालदार साहब क्या पूछना चाहते थे। हालदार साहब को पान द्वारा एक देशभक्त के द्वारा कुछ इस तरह का जो व्यवहार था वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन हालदार साहब के मन में एक विचित्र सा ख्याल आ रहा था और वे ख्यालों में खोए खोए उसके पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए अपनी जीप की तरह चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? उनके मन में फिर भी जो उनके मन में एक जागृत हो रही थी जो भावना, वो शांत नहीं हुई। क्या भूतपूर्व सिपाही था या कोई साथी था? पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो खिंचवा लो, और नहीं तो फोटो वोटो खिंचवा के उसका कहीं छपवा दीजिएगा। हालदार साहब को पान वाले के द्वारा जो ऐसे शब्द थे वो नहीं अच्छे लगे, अर्थात कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था। पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था? चश्मे वाले कैप्टन का, जो कि हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुड़कर देखा तो आवे आवाक रह गए, अर्थात कि दंग रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, अर्थात कि उसके देशभक्ति की यही पहचान थी कि वो गांधी जी की टोपी लगाए और चश्मा लगाए हुए एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची लिए और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी अपनी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिकाकर बेचारे ने उस अपनी दुकान लगाई, अर्थात कि उस छोटी सी दुकान से उस डंडे के ऊपर संदूकची से चश्मे निकाले और उसके ऊपर वो लगा दिए, अर्थात कि अपनी दुकान उसने लगा दी। अब इस चीज़ को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए कि देखिएगा
ये फेरी लगाता है, इसके पास दुकान भी नहीं है। और हालदार साहब उसे पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, वो इस बारे में ना कोई आपसे बताना चाहता है कोई बात और ना ही कुछ तुम्हें बताएगा। ये कुछ चित्र है देखो, जो मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाते हुए कैप्टन के चित्र आ रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही कमजोर स्थिति में उनका चश्मा बदल रहा है। स्वयं प्रकाश हालदार साहब जी में बैठकर चले, अर्थात कि यह देखकर उसके कैप्टन के हालात को देखकर वे आगे बढ़े और जीप में बैठे और चले। फिर 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से में उस कस्बे में से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में थी ये चश्मों को बदलते हुए देखते रहे, कभी गोल चश्मा तो कभी कैसा चश्मा, कभी इस तरह के चश्मे आते रहे उनके। अब बार बार जब जो चश्मे बदलते हुए नेताजी के देखते रहे वो, एक बार उन्होंने देखा कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। जब उन्होंने देखा कि आंख आज नेताजी की जो बिना चश्मे की मूर्ति है वो किस कारण से है, नेताजी की मूर्ति के चश्मे बदलते रहे वो तो उनके लिए अच्छा लगा, लेकिन कोई ना कोई चश्मा उनके आंखों पे हमेशा होता था, लेकिन उस दिन उन्होंने देखा कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा जब नहीं देखा उन्होंने, तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। वे 2 बार आए तो 2 उनकी आंखों पर उन्होंने चश्मा नहीं देखा। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। वो कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान वाले के पैसे दिए और जीप से आगे निकल गए चले। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ खून देने वाले पर हंसती है, अर्थात कि पान वाले के ऊपर वे सोचने लगे कि कैप्टन के ऊपर वो इस तरह से जो मजाक उड़ा रहा था कि आखिर इस कौम का क्या होगा जो हमारे देश के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर चुके हैं, देश के ऊपर हमारा जान दे चुके हैं, उन सब के लिए कितना हमारे व्यक्तियों में सम्मान रहे। फिर नेताजी की इस तरह की जो मूर्ति थी वे क्योंकि देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब कभी भी नहीं रुकूंगा, अर्थात कि मैं इनकी मूर्ति को जब चौराया आएगा मैं कभी नहीं उतरूंगा। लेकिन फिर भी उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ ही गई। कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, क्या सोचने लगे हालदार साहब, ये सोचने लगे कि मूर्ति तो होगी लेकिन सुभाष चंद्र की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था, कैप्टन मर गया है, सोचा आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, हम सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आगे बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ रुकेंगे और देखें मूर्ति को अवश्य देखेंगे, पर जब बिना चश्मे की हम मूर्ति देखेंगे तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, और लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते आते मूर्ति की तरफ उठ ही गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, अरे रोको, किससे कहा, ड्राइवर से कहा, अरे जीप रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते हालदार साहब
जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लप गया ताकि आगे बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में मतलब कैसे खड़े होते हैं अटेंशन में, कि जैसे जिस किसी का हम सम्मान करते हैं जब हम जय हिंद बोलते हैं, इस तरह से मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे किसी बच्चे ने बना दिया हो। सरकंडा किसे कहते हैं, जो कि जंगल में एक तरह की, उसे सरकंडा भी कहते हैं, झुंड भी कहते हैं, एक लकड़ी का जैसा पेड़ होता है और उससे जो उसमें निकलता है उसे पोरा भी बोलते हैं किसी उसमें क्षेत्र में। हर क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। जैसे तो उसमें से जो निकलता है उसका किसी बच्चे ने चश्मा बनाया और मूर्ति के ऊपर लगा दिया। हालदार साहब भावुक हो गए। अर्थात भावुक हो गए क्यों? क्योंकि इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। क्यों भर आईं? क्योंकि हमारे देश में हो ना हो किसी ना किसी रूप में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। हो ना हो छोटे बच्चे ने ही उन मूर्ति के प्रति अपने देश के प्रति सम्मान को तरोताजा रखा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। इससे ये पता चलता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो कि हमारा देश है, हमारे आने वाली पीढ़ी के हाथों में ये तो हमारा जो धरोहर के रूप में है। इसका मतलब हमारे वे देशवासी या हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वे सब इस देश का सम्मान करते हैं। इसमें कुछ शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगी आपको। जैसे हालदार साहब माने हवलदार, कस्बा थोड़ी सी आबादी वाला एक छोटा सा शहर, ओपन एयर सिनेमाघर अर्थात कि बिना छत का सिनेमाघर, ठो माने कहने को, प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका का काम काज चलाने वाले अफसर, प्रतिमा माने मूर्ति, लागत माने जो उसमें खर्च आता है, ठीक है, उपलब्ध बजट मतलब खर्च के लिए जितनी धनराशि मिली हो, उहापोह दुविधा, ठीक है, असमंजस, संगमरमर सफेद चमकता हुआ पत्थर, मासूम भोला, कमशीन सुंदर सराहनीय प्रशंसा करने वाला, ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।